हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। देखिए, जो लेवर जो आपका व्यापम का कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मत्स्य निरीक्षक भर्ती का जो एग्जाम होने वाला है आपका 27 मार्च को, तो उसके लिए हम जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन व्यापम में जितने भी पूछे गए प्रीवियस एग्जामिनेशन जिसमें भी हुए हैं, तो उनके क्वेश्चन हम देखेंगे। इसकी मैं हर दिन वीडियोज लेके आऊंगा जिसमें कि हम अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं अपने YouTube चैनल पर जनरल साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड 9 वीडियोस अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूँ, तो आप ये वीडियोस भी मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, तो वहां पर जाकर आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये आपके जो ये जो क्वेश्चन इस पार्ट में हमने इस पार्ट में जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके पूछे गए थे आपके असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल का जो 28 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट कराया था व्यापम, हमने उसके क्वेश्चन है। और इसके अलावा और क्वेश्चन देखेंगे हम जनरल स्टडीज के, और इसमें साथ में क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे जिससे कि आपको याद रहे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर हमारे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1500 करोड़ जो आपका अलॉटमेंट दिया है मध्य प्रदेश के लिए फॉर सेटअप ऑफ डिफेंस यूनिट, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिफेंस यूनिट सेटअप की जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका मुरैना होगा। तो इसके बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री वुड बी सेटिंग अप इट्स यूनिट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस इन मध्य प्रदेश एट मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे सेटअप की गई है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप की गई है। कौन सी तहसील में? तो कैलारस एंड सावलगढ़ तहसील ऑफ एरियाज में इसको सेटअप किया गया है। इसमें 15,000 आपका 1500 करोड़ आपका आपका जो बजट अलॉट किया गया है। द प्रपोज डिफेंस मिनिस्ट्री वुड बी सेटअप ऑन 969 तो 969.735 हेक्टेयर ज्योग्राफिकल सिक्योर्ड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल सुटेड लैंड। तो ये इसको जो सेटअप किया जाएगा वो आप 969.735 हेक्टेयर लैंड पर सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो अलॉट किया है वो आपका 1500 करोड़ आपका अलॉट किया है। और साथ में जो इसको सेटअप किया गया मुरैना डिस्ट्रिक्ट कैलारस एंड सावलगढ़ तहसील एरियाज में इसको सेटअप किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सेटअप रिकॉर्ड विद प्लांटेशन ऑफ हाउ मच ट्रीज। तो मध्य प्रदेश ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है विद प्लांटेशन ऑफ कितने करोड़, तो 6 करोड़ प्लांटेशन ट्रीज के साथ इस मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड सेटअप किया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 6 करोड़ सैंपलिंग ऑन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज असाइनेड टारगेट टू 24 डिस्ट्रिक्ट्स। जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें की नर्मदा रिवर फ्लो होती है वहां पे इन ट्रीज को प्लांट किया गया था। और जो आपको पता ही नर्मदा रिवर की जो लेंथ है वो आपकी 10077 किलोमीटर जो कि मध्य प्रदेश में फ्लो होती है, तो वहां पे इन ट्रीज को प्लांट किया था। तो इंडिया तो इसमें जो मध्य प्रदेश ने जो प्लांट किए थे ट्री वो आपके 6 करोड़ ट्रीज को प्लांटेशन किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द लो द लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया? तो ये आपके नरेश कुमार जी को किया गया है, जस्टिस नरेश गुप्ता जी को यहाँ पे आपका लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश बनाया गया है। 17 अक्टूबर 2017 को इनको मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान लॉन्च्ड भावांतर भुगतान योजना फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो शिवराज सिंह चौहान ने जो भावांतर भुगतान योजना वो किस डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया वो सागर से लॉन्च किया गया है। हम इसके बारे में और देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड द एमबीसीएस भावांतर भुगतान योजना फॉर फार्मर्स ऑफ द स्टेट एट द कृषि उपज मंडी इन खुरई सागर। तो ये खुरई कृषि उपज मंडी खुरई सागर से इसको लॉन्च किया गया था। टू इसका जो एम हैगा वो क्या हैगा? गारंटीड टू इंश्योर रीजनेबल प्राइस टू द फार्मर्स ऑफ दियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भावांतर भुगतान योजना में क्या होता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यदि गवर्नमेंट आपकी फसल को नहीं खरीद पाती है तो वो आप उसको जाकर प्राइवेट मंडीज में बेच सकते हैं, और उसमें जो भाव का आपका अंतर आएगा, जो भाव आपको मिलेगा और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एमपीएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसमें जो भाव आए भाव का अंतर आएगा यदि वो आपको कम मिलता है। सपोज आप गेहूं को बेचते हैं 2000 कुंडल, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 15 आपका मान लो 2200 कुंडल पर कुंडल डिसाइड किया, तो इसमें जो भावांतर है आपका 200 रुपये आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये आपका पूरा भावांतर भुगतान
योजना इससे रिलेटेड है। तो इसको जो आपको लॉन्च किया गया था वो आपका खुरई डिस्ट्रिक्ट को कृषि उपज मंडी खुरई सागर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नेशनल हेल्थ समिट मध्य प्रदेश रिसीव्ड अवार्ड। तो जो फोर्थ नेशनल हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला था, वो किस फील्ड में दिया गया था? तो मध्य प्रदेश को यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैंगे, बेस्ट स्टेट फॉर अवर पेशेंट सर्विस एक्सपेंडिचर फॉर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इंडोर सर्विस, फोर्थ आपका ऑप्शन था अवार्ड फॉर डेक्लाइन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो इसमें जो मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया था वो इस काम के लिए दिया गया था, एक्सपेंडिचर फॉर डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया था। इसके बारे में और देख लेते हैं, जो फोर्थ नेशनल हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी वो आपकी इंदौर में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो आपका सुमित्रा महाजन जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, जो कि 16th लोकसभा की स्पीकर है। ठीक है, इसको इसमें देख लेते हैं, ऑन गुड श्रीमती सुमित्रा महाजन स्पीकर ऑन 16th लोकसभा टुडे इनॉग्रेट द फोर्थ नेशनल समिट ऑन गुड रिप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एट इंदौर। तो इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था फोर्थ नेशनल हेल्थ समिट को, वो आपकी इंदौर में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें जो मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया था वो इस फील्ड में मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्रम अवार्डी 2017 अफान यूसुफ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो 2017 को जो विक्रम अवार्ड दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसमें जो रिसिपेंट है उसमें पूछा गया है कि जो अफान यूसुफ थे वो किस खेल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, अफान यूसुफ का जो खेल है वो आपके भोपाल से बिलोंग करते हैं और इनका जो खेल है वो आपका ये आपके स्पोर्ट हॉकी से रिलेटेड है। इसके अलावा भी जो विक्रम अवार्ड 2017 में दिए गए थे उसको हम एक बार देख लेते हैं। प्रिंस परमार को जो दिया गया था वो आपके टीकमगढ़ से बिलोंग करते, इनका जो खेल था वो आपका काइकिंग आपका खेल था। वहीं आपकी स्वेच्छा जाटव जी को जो दिया गया था, स्वेच्छा जाटव जी को, वो जबलपुर से बिलोंग करती और इनको जो इनका जो स्पोर्ट था वो विश्व स्पोर्ट में इनको दिया गया था। संजय सिंह राठौर जो आगर मालवा से बिलोंग करते उनको शूटिंग में दिया गया था। सोना कीर जो भोपाल से बिलोंग करती उनको रोइंग में दिया गया था और रीना स्काई इंडिया जबलपुर से बिलोंग करती उनको कराटे में दिया गया था। तो ये आपके सेलिंग से रिलेटेड आपकी सेला चार्लेस जो भोपाल से हैं बिलोंग्स करती उनको सेलिंग से रिलेटेड आपको अवार्ड दिया गया था। तो ये विक्रम अवार्ड आपके 2000 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अक्टूबर 27, 2017 को दिए गए थे, आप इनको एक बार देख लेना। अफान यूसुफ जी के बारे में पूछा गया था तो ये भोपाल से बिलोंग करते हैं, उनका स्पोर्ट जो है वो आपका आपके हॉकी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पहला टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? फर्स्ट वाटर टूरिज्म प्लेस इन मध्य प्रदेश, तो ये कहाँ पे है? तो आपका हनुमंतिया टापू इसका आंसर है। यहाँ पे देख लेते हैं, द कंट्रीज फर्स्ट वाटर टूरिज्म विल बिगिन इन मध्य प्रदेश। तो इंडिया का जो फर्स्ट वाटर टूरिज्म इनोग्रेट किया गया वो मध्य प्रदेश में किया गया था, जिसका कि नाम था जल महोत्सव। द 10 डेज का प्रोग्राम था जिसको कि February 12, 2017 को इसको इनोग्रेट किया गया था। और इसको कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? ये आपके हनुमंतिया टापू पे किया गया था, जो कि लोकेटेड है आपका इंदिरा सागर डैम में। और इंदिरा सागर डैम जो है वो आपका वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट मैन मेड वाटर रिजर्वायर आपका इंदिरा सागर। तो हनुमंतिया टापू पर आपका फर्स्ट वाटर टूरिज्म टेक प्लेस हुआ था और इसको ये जो है आपका हनुमंतिया टापू आपका इंदिरा सागर डैम, जो कि एशिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड वाटर रिजर्वायर है, वहां पे इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच सिटी कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड लेग्यूमेस रिसर्च प्लेटफॉर्म। तो कहां पे खाद्य पौधा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति इन कैबिनेट ने प्रोवाइड की है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका जो आपका आंसर है वो अमलहा सीहोर इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड लेगमस रिसर्च प्लेटफॉर्म FLRP एट अमलहा सीहोर मध्य प्रदेश विद सैटेलाइट हब इन वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। तो ये आपका कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? आपका फूड लेगमस रिसर्च प्लेटफॉर्म वो आपका जो आपका एस्टेब्लिश किया गया था वो अमला सीहोर में
इसको स्टेब्लिश किया गया था, और इसके जो आपके सैटेलाइट्स हब स्टेब्लिश किए गए हैं वो आपके वेस्ट बंगाल और राजस्थान में स्टेब्लिश किए गए हैं। और इस किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज के द्वारा इसको आपका आपको स्टेब्लिश किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उनका डिटेल डिस्कशन भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।